नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं आपके सामने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? ऑप्शन ए है दोस्तों उमा शंकर, ऑप्शन बी है मूल शंकर, ऑप्शन सी है गौरी शंकर और ऑप्शन डी है लंका शंकर। तो इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मूल शंकर। क्या रहेगा? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, और अगर इनके गुरु की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा ली, और वेदों की शिक्षा लेने के बाद एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है उसमें एक नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जैसा कि आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? दो क्वेश्चन है, एक तो होता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, और एक प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ये है केशव चंद्र सेन जी और ये है आत्माराम पांडुरंग। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की, उसके साथ महादेव गोविंद रानाडे और चंद्रा वर्कर। किसकी प्रेरणा से हुई? तो आपका आंसर होगा केशव चंद्र सेन, यानी कि ऑप्शन ए। क्या रहेगा? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो कब हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में। कब हुई? 1867 में। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, और उनके साथ थे चंद्रा वर्कर। जैसा कि आप जानते हैं महादेव गोविंद रानाडे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा बहुत बार, पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। कब की? 1828 में। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में राजा राम मोहन राय ने, और इंग्लैंड जाने के बाद बागडोर संभाली रामचंद्र विदावा गीस। ऑप्शन डी जो है वो हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का उन्मूलन किया। इसी के साथ साथ एक और जानकारी, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया 1835 में, वो भी मेकाले की सिफारिश पर। किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना जो है
वो किसने की? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कहां से? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। ऑप्शन ए है राधाकांत देव, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज जो है उसके विरोध में एक सभा की स्थापना हुई जिसका नाम था धर्म सभा, जिसमें राधाकांत देव जी ने सती प्रथा जो है वो सती प्रथा को सही माना। राधाकांत देव ने, मतलब ये है कि उन्होंने ब्रह्म समाज का विरोध किया। किसने? राधाकांत देव ने। लेकिन हमारे यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली, तो वो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने एक और पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था दोस्तों इंडियन मिरर। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंडियन मिरर नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इंडियन मिरर नामक पत्रिका के संपादक भी केशव चंद्र सेन थे, और वामा बोधिनी पत्रिका जो है उसके संपादक भी कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक हितवादी। ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, और ऑप्शन डी है गोपाल हरी देशमुख। ये हैं गोपाल हरी देशमुख, इन्हें ही लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किसको? गोपाल हरी देशमुख को। ये हैं गोपाल हरी देशमुख। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे एमजी रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी है मौलाना सिमली नोमानी। एक्यूरेट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन बी। वेदों की ओर लौटो। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में एक नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो, और किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका बचपन का नाम, जिनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, गुरु का नाम था विरजानंद, और जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? एक कथन था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जो दिए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि सबसे पहले किसने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना?
हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, उसी के साथ साथ कहा कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आज की हमारी हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।